टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेट्स टेक अप एंड टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी व्हाट टेल मी हेलो कोई ना कोई इंटरेक्ट करता रहो कि मुझे लगे तुम लोग हो। हाँ बहुत बारीक आवाज आ रही है। नेस्टेड पॉइंटर इज आर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन। हेलो मीन्स पॉइंटर टू अ पॉइंटर है ना। तो मुझे ये बताओ इस फोटो में आपको क्या समझ में आ रहा है। रिमूव दिस चैप, ये हीरो को निकालो टाइम पास, इसको निकाल दो, समझो ये बंदे को, इसको अगर आप निकाल देते हैं इमेज में से तो ये फोटो में क्या समझ में आ रहा है आपको बोलो। हेलो, अरे नो वन इंटरेक्टिंग मैन, स्पीक अप। सेल्फी ली जा रही है, सारा इज टेकिंग अ सेल्फी। तो आई एम ऑल्सो एबल टू सी हर मोबाइल फोन ऑल्सो, मतलब क्या? मतलब ये है कि फोटो लेते हुए का फोटो लिया जा रहा है। यस और नो? यस सर। क्या? फोटो हैज बीन कैप्चर्ड ऑफ सारा टेकिंग अ फोटो, है क्या नहीं? अगर ये नॉर्मल सेल्फी होती, नॉर्मल सेल्फी, तो सिर्फ इतना पार्ट नजर आता, फोन नजर नहीं आता था। यस और नो? यस। मतलब फोटो निकालते हुए का फोटो लिया गया है। तो ऐसे ही नेस्टेड पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर विच पॉइंट्स टू अ पॉइंटर, पॉइंटर विच पॉइंट्स टू अ पॉइंटर। तो अभी फॉर एग्जांपल देखो, इंटीजर ए लिया मैंने, इसका वैल्यू 5 है, और इसको पॉइंट करने के लिए मैंने एक पॉइंटर बनाया स्टार पी, जो पॉइंट करेगा एड्रेस ऑफ ए पे, ठीक है? इज दिस क्लियर फ्रॉम यस्टरडे सेशन? यस सर। तो इसमें अभी क्या होगा? यस सर। इसमें अभी क्या होगा कि एक बना है आपका वेरिएबल, क्या नाम से? ए नाम से। उसका वैल्यू क्या है? 5। वैल्यू 5 है और उसका एड्रेस क्या है? लेट्स से 1000। हु इज पॉइंटिंग टू 1000? हु इज पॉइंटिंग टू 1000? पी है ना। तो जब पी का, तो जब पी का बनेगा ऐसा, तो जब P का ऐसा बनेगा, अब जब P का ऐसा बनेगा तो इसका नाम क्या होगा? P हो जाएगा सर, एक नीचे का स्टार P। उसका वैल्यू क्या होगा? जहां वो पॉइंट कर रहा है वो उसका वैल्यू होता है। इंटीजर का वैल्यू क्या होता है? एड्रेस जहां वो पॉइंट कर रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1000। और इसका एक एड्रेस मिलेगा 2000 सी की तरफ से। यस सर। तो अभी अगर मैं एक पॉइंटर बनाता हूं इंटीजर स्टार क्यू विच पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ पी, पॉइंट कर रहा है वो
स्टार क्यू कहाँ पॉइंट कर रहा है? बी क्वेश्चन। तो स्टार क्यू पॉइंट कर रहा है किसके एड्रेस पे? पी के एड्रेस पे। तो यहाँ पर क्या हो गया वो, तो ये स्टार क्यू हो गया है क्या? नहीं। तो जब क्यू का ऐसा बनेगा बॉक्स तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? तो स्टार क्यू का वैल्यू क्या रहेगा? उसका एड्रेस, उसका वैल्यू रहेगा 2000, क्योंकि पॉइंटर का वैल्यू होता है वो एड्रेस जहां वो पॉइंट कर रहा है, और उसको सी एक एड्रेस देगा लेफ्ट से कि वो एड्रेस 3000 है क्या? नहीं। यस सर। अब मुझे ए का वैल्यू डिस्प्ले करना है, क्या करना है सर? ए का सर, अगर आपने ऐसा लिखे वो एस्ट्रिक क्यू इज इक्वल्स टू एंड एस्ट्रिक बी, तो उसमें जाएगा वैल्यू, जाएगा वैल्यू, एस्ट्रिक मतलब वैल्यू। क्या क्या बोला आपने, बोलो वापस अमान, क्या बोला आपने? एस्ट्रिक वो जो थर्ड लाइन है ना। हाँ हाँ हाँ। एस्ट्रिक क्यू इज इक्वल टू एंड बी। हाँ हाँ। इधर अपन एस्ट्रिक क्यू इज इक्वल टू एंड एस्ट्रिक बी कर सकते हैं, मतलब क्या होगा अगर वैसे किया तो? एंड एस्ट्रिक क्या पी? हाँ, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, व्हाट इज एस्ट्रिक पी? वैल्यू एट पी, वैल्यू एट पी है ना, वैल्यू एट पी हो गया ना ये। तो ये क्या हो गया 1000। फिर आप बोल रहे हो एड्रेस ऑफ 1000, तो इसका आउटपुट 1000 ही आएगा। आ रहा है समझ में अमान? स्टार पी क्या है? स्टार पी आप बोलो, स्टार पी क्या है? एड्रेस ऑफ 1000 सर। स्टार पी वैल्यू एट पी, स्टार पी क्या है? 1000। वैल्यू एट पी इज 1000 ना? यस सर। स्टार पी, देखो पी क्या है, पी 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 का वैल्यू क्या है? 1000 सर। और फिर स्टार पी मतलब वैल्यू एट 1000 मतलब क्या? वैल्यू एट 1000 क्या है? देखो इसको, इसको ऐसा ब्रेकअप करो, पी पी का वैल्यू क्या है? हेलो, इसको एक, इसको एक एक स्प्लिट करो, इसको एक एक स्प्लिट करो, देखो इसको एक एक स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो आप बोलो P का वैल्यू क्या हो गया? 1000। नाउ व्हाट इज स्टार 1000? 1000 एड्रेस पर वैल्यू क्या है? क्या है? 5 है। तो व्हाट इज एंड 5? एड्रेस ऑफ 5 कुछ भी नहीं है, सब गार्बेज है फिर ये। तो आप अभी मुझे डिस्प्ले करना है वैल्यू ऑफ ए, तो आई वांट टू डिस्प्ले यूजिंग ए, यूजिंग स्टार पी एंड यूजिंग स्टार क्यू। तो हाउ विल वी डू दिस, टेल मी, यूजिंग ए कैसे करेंगे? है क्या? नहीं। यस सर। यूजिंग क्यू कैसे करेंगे, पी कैसे करेंगे? प्रिंट एफ परसेंटेज डी। हाँ, स्टार पी, स्टार पी। और क्यू कैसे करेंगे? प्रिंट एफ परसेंटेज डी। तो ओके, व्हाट इज क्यू वैल्यू कितना उसका? 2000 सर। 2000।
अभी मैं कर दूं स्टार क्यू, मतलब क्या वैल्यू एट 2000, क्या है ये वैल्यू एट 2000 कितना है 1000, और अभी अगर मैं कर दूं वैल्यू एट 1000 कितना है 5. तो तीनों तरीके से आउटपुट 5 आएगा, तीनों तरीके से आउटपुट क्या आएगा 5. ए ही डिस्प्ले होगा, ए का वैल्यू डिस्प्ले होगा, समझ में आ रहा है? ये समझ में आया क्या स्टार स्टार क्यू? इसको ब्रेकअप इसको ब्रेकअप करते हैं, स्टार स्टार क्यू को इसको ब्रेकअप करते हैं. हाँ सर, अपन अगर इनिशियलाइज नहीं किए और यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करके भी किए तो हाँ सेम 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 आ गया, वो उसका इशू नहीं है. तो देखो क्यू क्यू का वैल्यू क्या है, कितना है 2000. देन व्हाट इज स्टार 2000 वैल्यू एट 2000 ना, कितना है 1000. देन व्हाट इज स्टार 1000 5. आया समझ में? तो ये है पॉइंटर टू अ पॉइंटर, कि P ऑलरेडी एक पॉइंटर है, उसको एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है Q. यस और नो? और जैसे अभी अमान ने पूछा तो उसका भी कोई इशू नहीं है, आपने इंटीजर A लिया, अब वी कैन डू ऑल टुगेदर. अभी आपको इतना आ गया नॉलेज, और हम लोग यूजर से भी ले सकते हैं प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, उससे कुछ पॉइंटर का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे पॉइंटर का टॉपिक पे फर्क नहीं पड़ेगा. आप यूजर से लो या खुद इनिशियलाइज करो. तो दिस विल बी सेम, नो प्रॉब्लम. आया समझ में अमान? Yes, ये है पॉइंटर टू अ पॉइंटर का कॉन्सेप्ट.